हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू एलआरआर क्लासेस में राशिद जी सर। गाइस, जैसा कि मैंने कहा था कि बायोलॉजी के बेसिक टर्म्स पर भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। वो कौन से ऐसे टर्म्स या टॉपिक्स हैं जिनको हम पढ़ें ताकि हमारी बायो स्ट्रांग हो जाए? तो बच्चों, हमने यहाँ पर ये नोट कर दिया है। उसके बाद आप देख लीजिए, सेल ऑर्गेनेल्स से लेकर के ये 10 टॉपिक्स जो हमने दिया है, नोट किए हैं, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। हम वन बाय वन अभी इसमें आपको समझाएंगे। यानी सेल ऑर्गेनेल क्या चीज है? सेल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकांड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, जितने भी चीजें हैं उनको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स जो दो तरह के हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। सेल ऑर्गेनेल माने कोशिकांग, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। बहुत अच्छी नॉलेज इसके बारे में आपको होनी चाहिए। ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो ओपेरिन का कॉन्सेप्ट है जीवन की उत्पत्ति के बारे में, कि लाइफ कैसे स्टार्ट हुई अर्थ पर, ये हम आपको बताएंगे। तब आप समझ जाएंगे कि बायो में कैसे प्लांट और कैसे एनिमल का डेवलपमेंट हुआ, कि कहाँ से कैसे क्या हुआ, जिसको जिससे कि हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। और टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या है? वर्गीकी, जिसमें वर्गीकरण किया जाता है, यानी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन पर आपकी अच्छी होल्ड होनी चाहिए। उसके बाद आता है फिर एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम इसमें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपको। एनिमल किंगडम में वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स क्या हैं, यानी कार्डियट्स और नॉन कार्डियट्स क्या हैं, प्रोटोजोआ से इकाइडर्मेटा तक इनवर्टिब्रेट्स, और उसके बाद पिसीज से मत्स्य वर्ग से लेकर के मैमल असंधारी तक क्या है, ये वर्टिब्रेट्स या कार्डियट्स कहलाते हैं। तो इसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आता है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में आपको फिर बैक्टीरिया से लेकर के एंजियोस्पर्म तक, यानी आवृतबीजी पौधों तक बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इससे हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते रहेंगे। बच्चों, एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे शराब बहुत पुरानी होती है, वैसे टीचर भी जो पुराना होता है उसका भी नशा कुछ और होता है, उसके पाने का तरीका कुछ और होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धीरे धीरे हम आपको वन बाय वन इसके बारे में ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर करते रहेंगे, जिससे आपकी बायो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। समझ गए ना बात आपको? कर दीजिए भाई साहब। ठीक, आगे आता है कि डिफरेंस बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी कशेरुकी और अकशेरुकी प्राणी में क्या डिफरेंस है, ये हमें आना चाहिए। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की जितनी भी ब्रांचे हैं, मॉर्फोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, टैक्सोनॉमी है, ये सारी ब्रांचेस के बारे में भी हम आपको वन बाई वन स्टेप वाइज इंफॉर्मेशन देंगे। और बच्चों, हमने एक चीज़ और प्लान किया हुआ कि एमसीक्यू के भी क्वेश्चंस देखेंगे, कि हम उसको शॉर्ट वीडियो में कुछ अपलोड कर देंगे, कुछ लॉन्ग वीडियोस में अपलोड कर देंगे, और डिस्कवरीज पर आपको हम इंफॉर्मेशन वन बाय वन देते रहेंगे। जैसे कि जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, या जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद आता है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न किसे कहते हैं, कितने तरह का होता है, ये आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। फिर बेसिक टर्म्स होते हैं प्लांट और एनिमल फिजियोलॉजी के, ठीक है, ठीक है ना, जो दैनिक क्रियाएं करते हैं, ठीक, फंक्शंस होते हैं, जो एक्सप्रेशन है, जैसे आपका फोटोसिंथेसिस है यानी प्लांट्स में, इन सब टर्म्स के बारे में, छोटे छोटे टर्म्स हैं, इनके बारे में आपको अच्छा
अच्छी जानकारी होनी चाहिए जिससे कि आपकी बायो काफ़ी स्ट्रांग रहे। इसे हम वन बाय वन आपको बताएंगे, वीडियोस अपलोड करेंगे। दूसरा है जेंटिक्स। जेंटिक्स मालूम है आपको कि फादर ऑफ जेंटिक्स इज मेंटल, और ये भी टाटा हुआ बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो ये इतने पॉइंट्स हैं बच्चों, अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी बायो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी और किसी भी कंपटीशन की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विशिंग बेस्ट ऑफ लक।